वेलकम दोस्तों टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। ये चैनल है जो हमारे बुक्स का मंदिर है, तो बेल आइकन जरूर दबा दो। आप में और हम में, हम लोग अधिकतर लोग मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास लोगों के ना ड्रीम्स कुछ अलग होते हैं। जनरली हर एक माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अच्छी कॉरपोरेट जॉब करे, और यही जो है ना, ये एक एवरेज ड्रीम्स है। जिसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है ना, वो जानते होंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज जो लोग हैं वो एवरेज है, और उनके एवरेज ड्रीम्स हैं। तो मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी जिसका नाम है द एवरेज ड्रीम्स, रिटन बाय अनुपमा प्रकाश श्रीवास्तव। इंटरेस्टिंग बुक लगी मुझे, क्योंकि ये बात करती है एवरेज ड्रीम्स के बारे में और एवरेज मिडिल क्लास लोगों के बारे में। एक, मैं इस बुक को बोलता हूँ स्वीट क्यूट लव स्टोरी, या मैं कहूँगा एक एवरेज मिडिल क्लास स्टोरी। और पर ये एवरेज मिडिल क्लास स्टोरी ना हमको बहुत कुछ सिखाती है अपनी लाइफ के लिए। तो सोचा क्यों ना आज हम बात करते हैं अनुपमा से उनकी इस बुक द एवरेज ड्रीम्स के बारे में। सो वेलकम अनुपमा टू आर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। तो कैसा लग रहा है आपको इस शो पे आके? आई मस्ट थैंक यू हिमांशु। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट स्टार्ट करा, बिकॉज नॉट मेनी पॉडकास्ट आर देयर रिगार्डिंग बुक्स से रिलेटेड। हाँ, सो आई थिंक वी शुड थैंक यू फर्स्ट। माय प्लेजर। मुझे हमेशा लगता है ना, बुक्स एक ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ का ना इंटीग्रल पार्ट है, पर मे बी विद द कमिंग जनरेशन हम उसको निगलेक्ट करते जा रहे हैं, या फिर जो जेन जी है, जो नई जनरेशन है, क्योंकि वो स्क्रीन में इतना लगाव है उनका, तो मैंने सोचा क्यों ना स्क्रीन के जरिए उनको बुक्स के करीब लाया जाए। इनफैक्ट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बुक सजेशन मांगते हैं कि बुक्स, कौन सी बुक रीड करें, कौन सी बुक्स पिक करनी चाहिए। सो आई थिंक बुक्स एंड थ्योरीज जिस तरह से बुक्स डिस्कस करता है, इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट फॉर दोज हु आर रीडिंग एंथुसियास्ट, जिनको रीड करना है। और मकसद तो वो है कि जो रीड नहीं कर रहे हैं वो भी रीड करें। पर बिफोर वी स्टार्ट अ पॉडकास्ट, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू माई ऑडियंस की कौन है अनुपमा प्रकाश। सो प्रोफेशनली लाइक एनी अदर पर्सन, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड आई वर्क फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज वेल। बिफोर दैट आई वॉज ऑल्सो, आई वॉज इन United India Insurance Company and Indian Oil Corporation, but and then slowly writing, reading का शौक बचपन से था, and slowly थोड़ा बहुत मैं poems और ये सब मैं लिखती थी, but वो सब laptop पे लिख के वो खो भी गए बहुत सारी चीज़ें, and slowly 2018 में I wrote 8 short stories series जो मैंने Kindle Direct Publishing पे इसलिए डाल दिया क्योंकि वो एक series बन गई थी और 8 short stories हो गई थी। तो मुझे लगा कुछ कहीं तो उसको डालना चाहिए, लैपटॉप पे ही रहेंगे। सो दैट इज़ हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एज एन ऑथर, प्रॉपर ऑथर जो हम बोलते हैं कि पब्लिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड राइटिंग द एवरेज ड्रीम्स, दैट गिव मी द करेज टू राइट अ प्रॉपर बुक। तो जनरली जो ऑथर्स होते हैं या तो रोमांस लिखते हैं, थ्रिलर लिखते हैं, आपकी जो बुक है ना, इट्स एन आई विल से अ मिडिल क्लास स्टोरी, अ ड्रामा स्टोरी। इसमें रोमांस भी है, एस्पिरेशंस भी है, ड्रीम्स भी है। इट्स अ मिक्स ऑफ आई विल से जो मेरी लाइफ है, आपकी लाइफ है, बहुत सारे करोड़ों लोगों की जो लाइफ है, टॉक्स अबाउट दैट। और बहुत स्मूथली और सिंपली उस फ्लो में जाती है, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ होता है या मेरे साथ हुआ है। सो हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ एवरेज ड्रीम केम टू योर माइंड, क्या थॉट प्रोसेस था इस बुक को लिखने का? व्हाई डोंट यू थॉट कि नहीं यार रोमांस लिखते हैं? नहीं, सोच सी, जब भी मैं कोई किताब उठाती भी हूँ पढ़ने के लिए, या मैंने लिखना भी स्टार्ट करा, या जो मैंने वो पोर्ट्रेट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ भी लिखी थी 8 शॉर्ट स्टोरीज, मैं हमेशा, मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम जो किरदार है हमारा, हम स्टोरी नहीं है हमारे लाइफ की, हमारे लाइफ की स्टोरी क्या है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वही हमारे लाइफ की स्टोरी बनाती है। तो इसलिए मैं ये कि रोमांस लिखना है, थ्रिलर लिखना है, नहीं, अगर अभिषेक का कैरेक्टर रिस्की मैं बनाती कि हाँ ये बहुत ही रिस्क टेकिंग है इसका कैरेक्टर, तो मे बी वो थ्रिलर बन जाती वो नॉवल। तो जो आप पर्सनालिटी आप जो लिख रहे हैं, जो कैरेक्टर आप लिख रहे हैं, उसका जो नेचर है वो स्टोरी बनाएगा आगे। तो जो मैंने कैरेक्टर उठाया था वो एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टर, बट माइंड में बहुत कुछ चलता है। अगर आप देखेंगे ये किताब भी अगर लोग पढ़ेंगे, लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही है, बट जो कुछ है सब अंदर चल रहा है। जो आपके एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, जो आपके इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जो आपको
एकदम से एरोगेंस आती है, वो सब दिमाग के अंदर है। अभिषेक का जो कैरेक्टर आप बता रहे हो ना, मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एक तो मम्मा बॉय भी है, प्लस उसके एस्पिरेशंस भी बहुत हैं, तो कहीं कहीं मम्मा बॉय से हट भी जाता है वो। आई वुड से मम्मास बॉय तो सोच के मैंने नहीं लिखा था, बट आई थिंक एवरी चाइल्ड इज अ मम्मास बॉय, मम्मास चाइल्ड, मम्मास चाइल्ड। बट द कैरेक्टर ऑफ जो मम्मा है उनका कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज़ शी इज द वन हु इज होल्डिंग द कंप्लीट फैमिली, और एस्पिरेशंस उनके बहुत हैं रिगार्डिंग टू हर चाइल्ड स्पेशली। आई फील एवरी मदर और एवरी वुमन इज द एंकर ऑफ द फैमिली, वो ही एक जो फ्लो होता है ना वो बैलेंस रखती हैं, तो वो दैट कैरेक्टर इज वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जो बिकॉज आई थिंक एवरी वुमन विल अग्री कि आप एक एंकर होते हैं फैमिली का, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस कैसे उसका उसको ग्रूम कैसे करना है, उसके ड्रीम्स कैसे हमें शेप करने हैं, वो एक्चुअली मैं आपसे सुनना यही चाह रहा था। क्योंकि आपने जो कहा ना कि हर फीमेल का यही रोल है एक फैमिली के लिए, तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी बुक है ना, इट टॉक्स अबाउट द रियल लाइफ, जो एक्चुअली ऐसा ही होता है, एंड दैट इज व्हाट इज इन योर बुक, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। कि आप जब पढ़ते हो तो आपको लगता है ना, ये तो यार मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती थी या मेरे पापा भी ऐसे ही करते, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, कम्प्लीटली आई एग्री विथ यू। बट हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ एस्पिरेशंस यू फील, देखो मिडिल क्लास भी ना विथ टाइम एंड जनरेशंस मिडिल क्लास इज ऑल्सो चेंजिंग। जिस मिडिल क्लास में मैं रहा हूँ एलसे 80s 90s, दैट मिडिल क्लास हैड अ डिफरेंट एस्पिरेशंस, आज की मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस डिफरेंट हैं, और शायद 60s 70s की मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस डिफरेंट थे। तो हाउ यू डिफाइन दिस एस्पिरेशंस ऑफ ए मिडिल क्लास? बाय मिडिल क्लास आई मीन आई वोंट कॉल मिडिल क्लास ऐसा कुछ, मतलब मिडिल क्लास यस दे आर मिडिल क्लास इन द स्टोरी, दे आर एवरी सर्विस क्लास इज अ मिडिल क्लास। इफ यू आर हैविंग अ सर्विस, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, यू आर गेटिंग अ सैलरी, तो एवरी सैलरीड इज अ मिडिल, एवरी सैलरीड पर्सन, इवन आप आज के भी टाइम्स में देखें, इवन आपका अगर पैकेज बहुत ज्यादा है, there will be a time जब आप retire होंगे and you will think about settling down your children. So I won't say it's middle class or upper middle class. I will say कि जहाँ आपको अपने बच्चों का एक career shape देना है, it's the story of every parents. I mean अगर आप ऐसे sector को भी belong करते हैं जहाँ पे आप ठीक है, आप एक financially बहुत अच्छे ground पे हैं, but आपको अपने बच्चों का कोई future shape करना है, so this story is very relevant for them also. आज की generation में with so much of internet and information available, parents का कितना role है in shaping up the career of their children? जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, हमारे time में इतनी information नहीं थी, so what parents suggested कि यार engineering करना है, ये करना है, so we used to follow it. कि यार हाँ ठीक है, पापा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है। बट आज की जनरेशन, इफ आई टॉक अबाउट माय सन, अगर मैं उसको ये बोलूंगा एक्स करना है, तो वो उसको पहले गूगल करेगा, सर्च करेगा, ना जैसे कि नहीं पापा एक्स नहीं करना, मुझे वाई करना है। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, हाउ दिस इज इंपैक्टिंग एंड हाउ मच इज दिस, दैट्स वेयर द ट्रस्ट बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स कम, बिकॉज़ द चाइल्ड स्लोली हैज टू डेवलप द ट्रस्ट कि पेरेंट्स हैव मोर विजडम। अब एज अ चाइल्ड आई मे गो फॉर अ वेरी फैंसी जॉब, और मैं शायद अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बचपन से ऑथर बनना चाहती एंड मैंने एक अपना एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली होती और एक जॉब नहीं करी होती, बट अगर क्या वो सस्टेनेबल होती उस एज में, मे बी वो इतनी इमेच्योर एज होती है कि मुझे वो सक्सेस नहीं मिलती, आई कुड हैव फॉल्टर्ड। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर पेरेंट्स का रोल आता है कि वो उनको अपनी विजडम दें, एंड children they should have that trust in them also, so that dialogue has to be established very early on, matlab you have to be an involved parent since the very beginning, and you have to realize ki kitna potential bhi hai, kitna aap push kar sakte hain, aur kitna push karne se wo bahut zyada stressed out ho rahe hain, to gauge that you have to be a very involved parent, jisko hum kehte hain family pressure। हाँ, एक वर्ड आता है हमेशा कि मैंने ये कर लिया क्योंकि फैमिली प्रेशर था, मैंने उससे शादी कर ली क्योंकि फैमिली प्रेशर था, मैंने ना मुझे तो ये करना था पर मैंने अपने प्रोफेशन ये चूज कर लिया बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो कभी ये नहीं लगता कि हाँ आप जो कह रहे हो सही है कि भाई फैमिली दे हैव मोर विजडम द पेरेंट्स एंड दे ऑलवेज
सजेस्ट यू गुड, बट फिर ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कई बार आगे जाके लोग जब मैच्योर हो जाते हैं दे फील कि नहीं यार हमें ये चीज़ नहीं करनी थी बट आई डिड इट बिकॉज ऑफ अ फैमिली प्रेशर. अब दैट विल ऑलवेज बी देयर, ये करना था नहीं करा ये आपने मुझे. सी कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि आपने मुझे थोड़ा ज़्यादा पुश करना चाहिए था, ऐसा भी बोलते हैं. कभी होता है बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर आ गया वो जो बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट कर गया, और कभी कभी होता है बिल्कुल ही पेरेंट्स ने सोचा नहीं हम लेट अस नॉट इंटरफेयर, और वो फिर बाद में तब भी कंप्लेन आती है कि आप यू शुड हैव पुश्ड अस, आपको तो पता था. तो दैट विल दैट इक्वेशन विल ऑलवेज बी देयर, ये कभी खत्म नहीं होगा. एंड आप मिस्टेक्स तो करेंगे, देयर इज, एंड आप कोई स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे. आप वो स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं लेंगे तो आप मिस्टेक कैसे करेंगे. सो इवन अगर आप ये अभिषेक का भी कैरेक्टर देखें, अब वो उसने सोचा मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट वो सोचता ही है. उससे पहले ही उसको इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. इज नॉट टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड, एंड वेयर दैट मदर का रोल थोड़ा आता है उसमें कि शी हैज टू कीप पुशिंग हिम कि नहीं कुछ तो करना है. तो इसको मैं अगर समराइज करूं तो व्हाट रोल शुड पेरेंट्स प्ले टू शेप अप देयर चिल्ड्रंस लाइफ, एंड हाउ मच चिल्ड्रन शुड, क्योंकि मैं इंटरनेट के ज़माने की बात कर रहा हूँ, हाउ मच चिल्ड्रन शुड ट्रस्ट देयर पेरेंट्स एंड इंटरनेट, स्पेशली इंटरनेट. पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली ट्रस्ट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि देर इज़ सम इंफॉर्मेशन जो शायद पेरेंट्स को ना पता हो बट इंटरनेट कैन गिव इट. तो हाउ दैट बैलेंस चिल्ड्रंस नीड टू मेंटेन एंड हाउ दैट बैलेंस पेरेंट्स नीड टू मेंटेन. आई थिंक देर शुड बी अ लॉट ऑफ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एंड बहुत ज़्यादा इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे हम ये बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं द एवरेज ड्रीम्स बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट में, इसी तरह के पॉडकास्ट आई थिंक पेरेंट्स और बच्चों में होते रहने चाहिए टू डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स. बिकॉज चिल्ड्रेन आर ऑल्सो वेरी वाइज, दे हैव सीन थिंग्स, वो बाहर हमसे ज़्यादा निकल रहे हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं. एंड दे माइट सी, हम कुछ बहुत बड़ी ज्ञान की बात कर रहे होंगे, बट दे माइट सी अ मोर प्रैक्टिकल रियलिटी. सो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ डिस्कशन, जिसको बोलते हैं ना संवाद बहुत होना चाहिए. संवाद एंड पर्सपेक्टिव, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हर सिचुएशन का आपको लेना ही चाहिए. एंड दैट कुड ओनली हैपन जब आप बच्चे और पेरेंट्स साथ में. कई बार क्या होता है पेरेंट्स भी ना अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मैंने ये कहा तो यही होना चाहिए, मैंने कह दिया मैथ्स लेना है तो मैथ्स ही लेना है. So I think those things कई parents को भी सोचने की जरूरत है that they also need to balance it out. हाँ जी, but अगर आप book में अगर the average dreams में देखेंगे, अंकिता जो उसकी mother है उसने ये देखा कि he has good potential, मतलब maths में वो अच्छा है. उसने ये नहीं सोचा कि मुझे engineer ही बनाना है, उसने ये पहले देखा कि ये maths में अच्छा है, maths में अच्छा, science और maths में अच्छा है. पहले उसने ये देखा वो है किस में अच्छा. तो अब लेकिन जैसे कि हम पेरेंट्स होते हैं, अगर मैथ्स में अच्छा है और इंजीनियरिंग करनी है तो सीधे आईआईटी. आईआईटी स्पेशली, आई बिलोंग टू लखनऊ एंड डेफिनेटली आईआईटी इज आई थिंक इज एवरीबॉडीज ड्रीम. हाँ आजकल तो मतलब आईआईटी इज दैट लेवल. इनफैक्ट आई वाज आल्सो नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, तो मेरे लिए भी आईआईटी सबसे बड़ी चीज होती है. लाइक मैं अपना बताऊं ना तो आई वाज गुड इन मैथ्स बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो ऑब्वियसली आई वाज गुड इन मैथ्स. But I was never interested in maths or engineering. Exactly. Like I always loved being in front of camera. I love theaters. I love books, writing. Like I started writing poetry when I was in class 5. मुझे भी याद है मेरी first poetry daily newspaper में छपी थी when I was in class 5. उसकी cutting आज भी मेरे पास. तो I was into writing since that age. मैं तब से ही लिख रहा हूँ. But वही अपने लिए लिखता था. But and I was having a small theater in my home itself. मेरे grandfather ने एक room दिया था, उसको मैं theater बना रखा था. Where I used to create scripts. हमारे सारी joint family थी, तो सारे बच्चे मिलके हम लोग plays करते थे. And we enjoyed those things. तो मुझे ना हमेशा this camera, lights और ये सारी मुझे excite करती है. I feel passionate about these things. But इंजीनियरिंग करना था, मैथ्स में अच्छे थे, मम्मी ने कहा इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करी. बट आई नेवर से कि मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं है. एज ए प्रोफेशन आई लव माई इंजीनियरिंग जॉब अ लॉट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द पैशन आई एम पैशनेट अबाउट दिस. मतलब आप मुझे रात को 3 बजे तक भी कह दो कि बैठ के लिखना है या पढ़ना है, आई कैन डू इट, मुझे नींद नहीं आएगी. बट
बट आई शुड आस्क यू वन क्वेश्चन. आप ये बताइए, ट्रेडिशनल जॉब के साथ यू कैन फॉलो योर पैशन, राइट और नॉट? यस, वी कैन फॉलो. सो दैट इज द थिंग कि हम पैशन ही फॉलो करना चाहते हैं, बट समटाइम्स ठीक है इफ ट्रेडिशनल जॉब के साथ भी हम अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, वी आर पैशनेट इनफ. बट वन क्वेश्चन, मतलब जो जेन जी के लोग देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली, लाइक आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई नो दैट एआई आ चुका है, एआई से देयर आर मेनी जॉब्स विच आर इनटू डिलेमा कि वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी. तो गोइंग फॉरवर्ड मे बी 2 से 3 साल बाद 4 साल बाद देयर विल बी मेनी जॉब्स विच विल बी कट, या इंजीनियरिंग की काफ़ी ऐसी जॉब्स होंगी जो नहीं रहेंगी, या काफ़ी ऐसी जॉब्स जहाँ पे कि मॉन्डेन जॉब होते थे, ह्यूमन की जरूरत नहीं है, वो जॉब्स नहीं बचेंगी. इवन यू आर फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, बैंक तो काफ़ी को जैसे ही ऑटोमेट हो चुका है, एंड कमिंग फ्यूचर में शायद इस लेवल तक ऑटोमेट हो जाएगा कि मे बी उस लेवल की वैकेंसीज ही ना हो. सो एट दैट मोमेंट कि आपको नहीं लगता कि पैशन विल बिकम अ जॉब फॉर समवन, लाइक समवन हु पेंट्स, जो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे कि ह्यूमन एफर्ट्स के बिना वो हो नहीं सकते, लाइक एन आर्मी मैन, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे एक एनर्जी और स्ट्रेंथ चाहिए. यू नीड इनर स्ट्रेंथ, यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. सो व्हाट आई फील कि अभी जो जेन जी है, जो जो बच्चे प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि दे शुड थिंक ऑन दैट लाइन ऑल्सो, बिकॉज एज अ पेरेंट्स ऑल्सो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आज से 5 साल बाद सोचें, क्योंकि व्हेन दे विल कम्प्लीट देयर स्टडीज 5 साल हो जाएंगे, तब उस 5 साल 6 साल बाद क्या होगा, दैट विजडम आई थिंक वी हैव या वी आर लुकिंग इनटू इट. उसी जेन जी से ही तो हमें बातचीत करनी है कि आगे आपकी क्या क्या राय है. बिकॉज अगर आप याद करेंगे, जब कंप्यूटर्स आए थे, आई थिंक सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग होती थी, जो सबसे जब तक आपने इंजीनियरिंग करी सिविल इंजीनियरिंग गायब हो गई थी. एंड सो दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, कोई नई चीज आएगी. अब कंप्यूटर इंजीनियर, जब कंप्यूटर्स आए थे बहुत हल्ला हुआ था कि जॉब्स चली जाएंगी. आई थिंक कंप्यूटर्स ने जितनी जॉब्स क्रिएट करी हैं उतना किसी ने नहीं करी. एंड जब कंप्यूटर्स आए थे एवरीबडी वॉज कंप्लेनिंग कि ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जॉब्स चले जाएंगी, जॉब्स चली जाएंगी. लेकिन फिर आप देखो नई जॉब्स क्रिएट हो गई गया, बट आज की डेट में स्टिल इन द लाइमलाइट, क्योंकि वहाँ पे मैनुअल एफर्ट्स हैं, वहाँ पे एआई या कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता. एग्जैक्टली, तो कोई चीज खत्म तो होगी नहीं, बट आई गेस जितने लोग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहे थे, आई थिंक उतने ही लोग कंप्यूटर साइंस पर ऑप्ट करने लग गए. वो शिफ्ट हो गई पॉपुलेशन कंप्यूटर साइंस की तरफ, वो खत्म नहीं हुई है, बस शिफ्ट हो गई है. अगर आई थिंक ये आए थे, पेंस इन्वेंट हुए थे, तो फेदर्स आउट ऑफ जॉब हो गए, तो कितनी सारे चीजें क्रिएट भी हुई, कितनी सारी बुक्स लिखी भी गई. कोई नई चीज आती है तो वो नई चीजें नई जॉब्स लेकर ही आएंगी. हमें लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, बट अ न्यू ऑर्डर विल गेट एस्टैब्लिश्ड, और ये जो शिफ्ट है, ये जो पॉपुलेशन की शिफ्ट है, वो उधर चली जाएगी. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज ड्रीम्स, तो राइटिंग अ बुक, इज इट एन एवरेज ड्रीम? राइटिंग अ बुक वाज मोर ऑफ अ पैशन, इट वाज नॉट कि नॉट फॉर यू इन जनरल. राइटिंग अ बुक आजकल बिग बकेट लिस्ट हो गई है, मतलब हर कोई बुक लिख रहा है. It's a dream for everyone to write a book. So you consider what that dream you consider? It's an average dream or it's an above average dream? I feel मैंने तो अपने को express करने के लिए लिखी थी, because I have so many opinions and I wanted to write about Abhishek. I wanted to write about teenagers जिनके mental conflicts immense होते हैं, और बाहर parents सिर्फ एक direction में चलते हैं कि तुम्हें ये करना है. दे आर जस्ट वरीड अबाउट करियर, एंड ही इज वरीड अबाउट हिज इन्फैचुएशन, ही इज वरीड अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस, ही इज वरीड अबाउट वेदर मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. वो बहुत सारी चीज़ों से वरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके दिमाग में इतना है. बट पेरेंट्स का अगर आप देखें तो एक वन ट्रैक माइंड है, पढ़ाई, इसको कुछ करना है, इसको इंजीनियरिंग करना है. तभी ने कहा ये आपकी बुक बहुत रिलेट करती है. ऐसे ही होता है, मतलब इफ आई रिमेंबर, तो मैं आपकी बुक पढ़ रहा था ना, आई वाज मतलब मैं एक पर्सन हूँ, आई वेरी इजीली गो इनटू माय मेमोरीज. मैं बहुत इजीली पहुंच जाता हूँ. मतलब मैं अगर सीरीज भी देख रहा हूँ ना, कोई सीरियल देख रहा हूँ, तो मैं देख के रोने लगूंगा. माय वाइफ विल से रो क्यों रहे हो, मुझे पता है मेरे को ना वो याद आ रहे. तो मैं बहुत इजीली बैकग्राउंड में चला जाता हूँ.
तो व्हेन आई वाज रीडिंग योर बुक ना, मैं बहुत इजीली अपने बैकग्राउंड में जा रहा था। मैं यार सही है, मतलब मम्मी कहते थे इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, और मेरा दिमाग चलता था यार मैं ना NSD चला जाऊँ, मैंने ये कर लूँ ना, मैं अपनी किसी कोई गर्लफ्रेंड बना लूँ, ये तो 10 चीज़ें दिमाग में घूमती रहती। सो दैट इज द पॉइंट कि वो जो एज है दैट इज सबसे कलरफुल एज वही है। इनफैक्ट अगर हम याद करें तो हमारे फ्रेंड्स भी उसी टाइम बनते हैं, उस टाइम के फ्रेंड्स ये मेरे से आगे है, वो मेरे से आगे है, ये मेरे से बेटर कंपनी में ना इसका प्लेसमेंट हो जाए। सो आई थिंक एक जो वो फेज होता है वो बहुत कलरफुल होता है, एंड हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स हम जानते भी हैं कि वो इसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, हमें इसको उसी ट्रैक पे डालना है कि इसको कुछ बनना है। तो मुझे ना कभी कभी लगता है कि ना लाइक माय सन इज आल्सो 15, तो मैं ही पुश करता हूँ ये करो, ये पढ़ो, ये तुम्हारा ये है, बोर्ड है ये, पर फिर मुझे कभी लगता है कि यार देखो ना वो फेस हमारी लाइफ का भी था, एंड दैट द ब्यूटीफुल फेस, जो जिस फेस में ही इज इन दैट फेस सबसे कलरफुल और सबसे अच्छा फेस है लाइफ का, इतना पुश क्यों कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर ले लाइफ को। दैट शुड बी, आई थिंक दैट शुड बी द थिंग कि आपको क्या है, आपको बस उसको बताते रहना कि उसको, बिकॉज हमें अगर हम अपना वो फेज देखें तो पढ़ाई सबसे एक पीछे की चीज होती है जो हम नहीं सोच रहे होते हैं। तो आई थिंक एज पेरेंट्स वी जस्ट रिमाइंड देम दैट यू हैव टू स्टडी ऑल्सो, यू हैव टू मेक अ करियर ऑल्सो, दिस इज द मेन थिंग, and let them, let us not judge them जो उनके दिमाग में चल रहा है। और अभी तो कहना मतलब ये जो generation है, और generally अभी इस generation के जो parents है ना, like you and me, we are the parents जो हम 80s और 90s के हैं। Exactly। जिन्होंने बिना mobile के अपनी school life या college life निकाली है, तो हमारा एक ना एक mindset है, क्योंकि हम क्या करते थे, हम या तो enjoy करते थे friends के साथ, या हम study करते थे, ये दो ही काम होते थे हमारे पास, या हम खेलते थे मतलब फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज की जनरेशन जो है ना, दे हैव दिस स्क्रीन विद देम जो उनके पॉकेट में और हाथ में हमेशा है, और मुझे ऐसा लगता है मतलब कि दस विदाउट द स्क्रीन है ना, उनका जो पढ़ाई का तो है ही प्रेशर, बट उनका पढ़ाई का टाइम कट हो गया है, फ्रेंड्स के साथ टाइम कट हो गया है, और मोर और लेस फ्रेंड्स इसलिए भी कट हो गया बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन मेट्रोस। यहाँ पे इतना इजी नहीं है कि आप कम्यूट कर जाओ, ऐसे हम तो छोटे शहर के हैं एवरेज मिडिल क्लास वाले, तो फट से उठाया ऑटो में बैठ के दोस्त के यहाँ पहुँच गए, या दौड़ते हुए दोस्त के यहाँ चले गए। पर बींग इन अ मेट्रो कभी कभी लगता है कि बच्चे ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, एंड ये एक मुझे मेजर डिफरेंस दिखता है बिटवीन द टू जनरेशंस। मे बी शायद आने वाली जनरेशन व्हेन माय सन विल ग्रो अप एंड बिकम अ पेरेंट, तब शायद इतना चेंज ना दिखे, बिकॉज दे ऑल विल बी इन द सेम टेक्नोलॉजिकल पार्ट। वी नेवर नो कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए। आ जाए, पर एटलीस्ट दे हैव सीन द ग्रोथ इन दैट टेक्नोलॉजी, बट हमने टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा है। वी हैव सीन दोस लैंडलाइन नंबर, जब कोई फोन करके बुलाता था भैया फोन आ गया तुम्हारा। तो आई ऑलवेज फील कि मतलब वी एज ए पेरेंट मे बी शायद हम बच्चों को ज़्यादा उस नज़र से देखते हैं शिफ्ट, और उतना शायद नहीं देखना चाहिए, या उनको सपोर्ट करना चाहिए या उनको नहीं करना चाहिए। आई एम स्टिल इन डिलेमा, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेट्रो सिटीज की जो लाइफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज नॉट व्हाट दीज मेट्रो सिटीज आर। इंडिया इज ह्यूज एंड एवरी स्टेट, एवरी सिटी एंड एवरी स्मॉल टाउन इन एनी स्टेट, आई हैव स्टेड सो एट सो मेनी प्लेसेज, मैंने एवरी टू ईयर्स मेरी प्लेस चेंज हुई है। आई हैव स्टेड इन बॉम्बे फॉर 7 years, लखनऊ में तो आई वॉज रेज्ड ओनली इन लखनऊ विच इज़ अ टायर टू सिटी, यू कैन सी इट्स नॉट अ मेट्रो। फिर आई हैव स्टेड इन मुंबई, नाउ आई एम इन दिल्ली, एंड देन आई हैव स्टेड इन वेरी वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड हिसार एज वेल। सो अगर ये हम सोचते ना कि ये जो जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, जेन ज़ी है बट एवरी हर सिटी का अपना फ्लेवर है। ऐसा नहीं है कि ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं। मे बी जहाँ मेट्रो सिटीज में नहीं उनको मौका मिल रहा है, बट टायर टू में मिल रहे हैं, टायर थ्री में मिल रहे हैं, और वहाँ पे यस। बट पहले हमारे टाइम में क्या था, लाइफ टायर थ्री सिटीज में इतनी जल्दी चेंज नहीं होती थी। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ भी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है। सो दे आर इमिटेटिंग जो मेट्रो सिटीज में है, बट स्टिल
थोड़ा सा है वहाँ पे, अभी भी मिलना जुलना है लोगों में मेट्रो सिटी। आप लखनऊ का नाम ले रहे हो ना बार बार, तो मुझे लखनऊ की ना मेमोरीज आने लगी। एक्चुअली आई स्पेंड सम वेरी गुड टाइम इन लखनऊ, ऑलमोस्ट 6 months। दिस वाज अ टाइम ऑफ 2003 जब वहाँ पे एयरटेल लॉन्च हो रहा था। सो आई वॉज मैं उस टाइम एक वेंडर कंपनी में था ना, आई वॉज सपोज टू डू सर्विस फॉर एयरटेल टॉवर्स। तो मैं एक्चुअली आई वॉज बेस्ड इन लखनऊ, तो मैं वहीं रहता था ना। आई यूज़ टू ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस टू सी कि कहाँ टावर लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। सो आई स्पेंड अ गुड टाइम इन लखनऊ। तो मैक्सिमम टाइम उस टाइम मैंने जो वहाँ पे खाया ना, आई ट्राइड ऑल सॉर्ट ऑफ नॉन वेज फूड्स। तो मेरा यही था कि आज कहाँ पे जाके खा के आना है। लखनऊ इज अ गुड प्लेस, मुझे काफी अच्छा है, वेरी हैपनिंग प्लेस मुझे लगा। दैट इज व्हाई जैसे बुक में भी मैंने वो स्कूटी वाला चैप्टर इसलिए डाला, बिकॉज स्कूटी इज समथिंग जब मैं मुंबई गई तो वहाँ नहीं होती है। स्कूटी नहीं होती है तो जो स्कूटी, बट स्कूटी में भी एक मुंबईकर में नॉट रिलेट कि वो स्कूटी से कहाँ जा रहे हैं, बट आई थिंक एवरी टायर टू सिटी आई थिंक वो रिलेट करेगा जो स्कूटी का मजा है स्कूटी लेके घूमने का। यू नॉट बिलीव, मैं जब तक अपने होम टाउन में था, मैं सागर से बिलोंग करता हूँ एमपी से, तो स्कूल में स्कूटी से जाता था। मेरे पापा के पास एक स्कूटी थी, मैं उससे स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, सब जगह स्कूटी जाता था। बाद में मेरे फादर व्हेन ही पास्ड अवे, तो मैं वहाँ घर गया, तो मैंने कहा ये स्कूटी को यूज़ की नहीं, इसको मैं ले जाता हूँ दिल्ली में अपने आसपास के काम के लिए चलाऊंगा। आई बॉट दैट स्कूटी, मैं उसको ट्रेन से लाया, फिर वहाँ से मैंने एक लड़का हायर किया कि भाई ना स्टेशन से तुम नोएडा तक उसको ड्राइव करके लाओ, क्योंकि मेरी वाइफ कहने लगी नहीं यार तुम ड्राइव करके नहीं लाओगे, कोई ठोक देगा। उस टाइम पे ब्लू लाइन बसेस का बहुत चल रहा था, कहते कोई ठोक देगा नहीं ना, तुम किसी को बोल दो। देन आई पेड वन गाय कि तुम ना स्कूटी लेके आओ, वो स्कूटी चला के नोएडा तक ले आया। एंड यू बिलीव मी, वो मेरे पास ना 6 महीने साल भर तक रखी रही इन माय बेसमेंट, और वो निकालने का मौका ही नहीं लगा। फिर फाइनली मेरी सिस्टर के बेटे को मैंने कहा यू टेक इट यार, तुम कुछ तो करोगे उसका, मैं यहाँ तो रखी हुई है। बट आप अपना स्कूटी नहीं छोड़ना चाहते थे। स्कूटी छोड़ना नहीं था, बस छोड़नी पड़ी हो। तो वो है मतलब मेट्रो में इट्स रियली टफ टू स्कूटी या चलाना, शायद मुझे थोड़ा टफ लगता है यहाँ पर। एंड वही जैसे अब उसमें भी बुक में है कि वो अपना लेके घूम भी रहा है, एंड शी इज वरीड आल्सो, मदर इज वरीड कि ये जा कहाँ रहा है, बट शी अलाउड आल्सो। पर बड़ा मजा आता है मतलब बीइंग इन टायर 2 और टायर 3 लेवल सिटी जहाँ पे स्कूटी पे घूमते हो मस्त आराम से। तो मेरे को याद है मेरे पास पहले एक TVS चैंप हुआ करती थी पैडल वाली, एंड आई ड्रोव अ लॉट, बहुत मजा आता था। स्कूल जाता था उससे, स्कूल जाओ फिर उसके बाद स्कूल दोस्तों के साथ कहीं समोसे खाने जा रहे, कोचिंग जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक ही उसी इतनी TVS चैंप पे दो तीन लोग बैठ लेते थे। तो एंड एट दैट टाइम देयर वर मेनी ड्रीम्स इन माइंड, and I think those were the average dreams. जब हम बहुत छोटे होते हैं तब तो काफी fantasy रहती है mind में। हाँ। फिर हम जब थोड़ा 10th तक आते हैं हमें अपना पता चल जाता है। हाँ। Yes, कि yes, ये maths नहीं हो सकती या ये नहीं हो सकता। Then वो dreams थोड़े average होने लगते हैं हमारे। But yes, जैसे अब स्कूटी की आप बात कर रहे थे, स्कूटी इज द रीजन why टायर 2 सिटी में अभी भी हम फ्रेंड से मिलते हैं, क्योंकि हाँ। वो मजा है। मेट्रो सिटी में हम नहीं मजा आएगा, इट्स बेटर ना कि हम वो फोन पे ही बात कर ले, मेट्रो बैठ के जाओ, उससे अच्छा बात कर लो। तो लेकिन है वहाँ अभी भी इसीलिए शायद वो लेके निकलने का मजा होता है। निकलने का मजा जी बोलने से ना मतलब मन करने लगता है कि यार वापस ना सब छोड़ के गो एंड लिव इन सम टायर 2 सिटी। सो कमिंग बैक टू योर बुक, ये बुक आपने लिख ली, कंप्लीट हो गई, देन हाउ यू पिच टू द पब्लिशर्स? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ बुक लिखना सबसे आसान काम है इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बुक। तो बुक लिखना आपने सबसे इजी काम कर लिया ना, उसके बाद स्टार्ट होता है द सेकंड डिफिकल्ट काम, टू गेट द पब्लिशर। सेल्फ पब्लिशिंग तो बहुत सारे, बट टू गेट द गुड पब्लिशर इज अ टफ थिंग। सो हाउ यू डिड ऑल दिस, कैसे मिला आपको पब्लिशर? पहले सिर्फ मेरे पास तो जब ये मैंने बुक लिख ली थी, देन उस टाइम कोविड एंड सब आ गया था, तो मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं कैसे पता करूं कि क्या करना है। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन नेट एंड कि बुक कैसे पिच करते हैं, कैसे सबमिशन करते हैं एंड एवरीथिंग। बट देन आई केम अक्रॉस सुहेल माथुर, द बुक बेकर्स, यस। सो आई सेंट माई मैन्युस्क्रिप्ट टू हिम, सो ही लाइक्ड इट। ही हाँ, सो सुहेल माथुर लाइक्ड इट एंड सो ही एक्सेप्टेड द, ही इज माई लिटरेरी एजेंट एंड सो ही accepted the book and then he pitched it to the publishers. So आपके the father hard work he did. Hmm? Yes, my father is also writing. He writes in Hindi. He is writing since 30 years. तो आपने हिंदी में try नहीं किया? I write in Hindi. I write Hindi poetry.
इनफैक्ट हिंदी मैंने हिंदी में किताबें बहुत मैं बचपन में हिंदी में ही किताबें पढ़ती थी. तो यू कुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम योर फादर फॉर पब्लिशिंग. नो ही हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश पब्लिशिंग. मैं हिंदी पब्लिशिंग पे क्वेश्चन है आपसे. एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था सशक्त भारत. वो उनके ऑथर भी मेरे शो पे आए थे. हमने काफी डिस्कशन किया ही वेरी वास्ट नॉलेज अबाउट ग्राम पंचायत एंड ग्राम ऑल सभास. तो मैंने उनको भी एक सजेशन दिया. मैंने कहा आपकी जो बुक है इट्स फैंटास्टिक पर उसमें हिंदी जो है ना मतलब वो हिंदी वो है जो 80s के जमाने के बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में. बड़ी जिसको शुद्ध हिंदी बोलते हैं. मैंने कहा मुझे तो समझ में आ गई पर अगर ये बुक मैं आपको अपने बेटे को दे दूंगा ना वो उसका एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकता. मैंने कहा पढ़ लेगा तो समझ नहीं पाएगा. तो आपको नहीं लगता कि हिंदी राइटिंग नीड जैसे कि हम कहते हैं ना कि इंग्लिश राइटिंग भी चेतन भगत ने रिफाइन कर दी. ही ब्रॉट टू दैट लेवल कि एक कॉमन आदमी भी पढ़ सके. क्या अब आपको नहीं लगता कि जरूरत है हिंदी के लिए भी. मतलब मेरे दिमाग में बहुत दिन चल रहा है कि यार ऐसी कोई बुक हो जो एक कॉमन बच्चा भी पढ़ सके हिंदी. शायद मैं हिंदी में लिखूंगी तो मैं उतनी सिंपल लैंग्वेज में ही लिखूंगी क्योंकि मैं आप उस बहुत उतनी क्लिष्ट हिंदी लिख नहीं पाऊंगी. बट आप अगर आप बोलते हैं ना एक जो राइटर होता है वो दिल से लिखता है. वो दिल से आवाज आती है और जिनको शब्दों से खेलना पसंद है. अगर आप शशि थरूर से बोलेंगे सिंपल इंग्लिश लिख दो कैन ही राइट वो लिखते लिखते भी नहीं लिख पाएंगे बिकॉज वो दिल से जो निकलता है ना आप अच्छा तभी लिख सकते हो जो आप दिल से लिख रहे हो. आज मेरा दिन बहुत अच्छा शशि थरूर का दूसरी बार जिक्र हो रहा है मेरे साथ. नहीं बिकॉज आप जब दिल से कुछ लिख रहे हो व्हेन यू आर राइटिंग तो आपको जो नेचुरल आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वैसे ही लिख सकते हो और यू कैन प्रोड्यूस बेस्ट यू कैन राइट बेस्ट इन योर नेचुरल राइटिंग स्टाइल. सो जैसे मेरे फादर हैं उनकी हिंदी बहुत सा अब मुझे तो नहीं डिफिकल्ट लगती है बट मैंने आचार्य चतुर सेन की वो पढ़ी थी वयम रक्षाम. बहुत डिफिकल्ट हिंदी है वो. बहुत डिफिकल्ट हिंदी है वो. मैं वही देखता हूँ मतलब कि मुझे लगता है कि हिंदी अगर हमें रीडर्स तक पहुँचानी है तो उनको उनकी भाषा में हिंदी को कन्वर्ट करना होगा. आचार्य चतुर सेन वो वाली हिंदी बोलते ही नहीं होंगे. अब जैसे मेरे फादर की फर्स्ट बुक आचार्य चतुर सेन नहीं कर सकते उसको पर आप और हम जो इस जनरेशन के हैं हमें करना जरूरी है शायद. मैं अगर हिंदी में लिखूंगी क्योंकि मैं लिख भी सकती हूँ मेरी हिंदी अच्छी है तो मेरी इतनी डिफिकल्ट आएगी ही नहीं क्योंकि मैंने कभी उतनी डिफिकल्ट हिंदी ना मैं सोचती भी उतने डिफिकल्ट हिंदी में नहीं हूँ ना मैं बोलती हूँ. क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं काफी हिंदी बुक्स पढ़ रहा हूँ और मेरे को हर बार ना यही चीज लगता है कि ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे अच्छी लग रही पर क्या ये मेरा बेटा पढ़ेगा. पर वो बुक किस टाइम पे अब जैसे मेरे फादर की एक गंधर्व का दुःस्वप्न 2008 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी. अब वो 2008 में तो वो आप हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं ना. हाँ। हम तो पढ़ ही सकते हैं पर अभी उनकी जैसे बस्तियों का कारवा रिलीज हुई 2022 में ही हुई थी सेतु प्रकाशन से. वो पूरा पहली बार किसी राइटर ने सिंधी जब ये भारत का विभाजन हुआ था तो सब पंजाबी त्रासदी पे तो लोगों ने बहुत लिखा है पंजाब की पर सिंधियों पे किसी ने नहीं लिखा था. तो उन्होंने जो बस्तियों का कारवा बुक में पूरा जो सिंधियों के का ने कैसे आए सिंध से कैसे आए और कैसे उन्होंने यहाँ इंडिया में कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करा और आप देखेंगे सबसे थ्राइविंग कम्युनिटी है हमारे इंडिया की सिंध. इस टॉपिक में बात बताऊँ आपको. अच्छा मेरे माय ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर पर वो फ्रीडम फाइटर से पहले एक डॉक्टर थे. देन ही केम इनटू दिस फ्रीडम फाइटर थिंग. उसके बाद वो कांग्रेस में एमएलए भी रहे. ही वाज एमएलए फॉर 16 लॉन्ग इयर्स. तो जब उनका सागर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था. इट्स अ वेरी बिग हॉस्पिटल जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे. एंड आई विल से इट वाज स्प्रेड इन सम एकर्स. इतना बड़ा हॉस्पिटल था. देन ये सिंध से लोग आए एंड ही गिफ्टेड दैट कंप्लीट हॉस्पिटल टू देम. आज की डेट में सागर का सबसे बड़ा मार्केट है उसका नाम है सिंधी मार्केट. वो मार्केट एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल हुआ करता था. एंड ही हैज नॉट सोल्ड देम. उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया उससे. ही जस्ट गिफ्टेड देम. आई थिंक उस टाइम पे ऐसा होता था. मेरे फादर भी बताते हैं कि आजकल तुम लोग इतना बिजनेस सोचते हो हम जरूरतमंदों को दे देते थे उतना लैंड का. आप सही कह रहे हो. रिसेंटली क्योंकि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है वी गॉट एन इन्फॉर्मेशन. हमारे पास एक लेटर आया कि आपकी 10 acres की लैंड है. आपके यहाँ से कोई क्लेम कर रहा है कि गवर्नमेंट शुड टेक इट और से कुछ कर. तो मतलब मेरे चाचा और सारे लोग दे वर शॉक किया ये कौन सी लैंड आ गई कहाँ से आ गई.
देन दे ट्राई टू फाइंड आउट, पता चला कि ये लैंड मेरे ग्रैंडफादर को मिली थी बिकॉज व्हेन ही वाज एन एमएलए शायद उस टाइम कुछ मिलता था या बिकॉज ऑफ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर जब होते हैं आपको लैंड मिलता है और यू कैन चूज टू बी एमएलए। हां, तो उनको वो लैंड मिली थी एज ए फ्रीडम फाइटर हमारे शहर से काफी आउट में। एंड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम व्हेन ही वेंट टू दैट विलेज, तो कोई जो गरीब आदमी वहाँ पे खेती करता था तो वो देखे कहने लगे बेटा आसना तुम्हारी हो गई है, तुम यहाँ खेती करो यहीं रहो, और उसको बोल के आ गए। और उन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की, उसके ट्रांसफ़र नहीं किया, ना घर में किसी को बताया। अब वो जो किसान रहा होगा अब चला गया, नहीं यहाँ पता किसी को नहीं पता, एंड दैट लैंड इज स्टिल देयर वेकेंट, पूरी पड़ी हुई है। नाउ गवर्नमेंट इज आस्किंग कि किसको क्या करना। तो माई एवरी वन वर्कड आउट, देखा उसमें काफ़ी तो लोगों ने डेवलप कर लिया, कुछ मार्केट बन गए उस पर काफ़ी कुछ, तो देयर स्टिल इन प्रोसेस, बट उस टाइम लोग ऐसे हुआ करते थे। बस्तियों को कारवा में जो सोमा मल जो कैरेक्टर पापा ने उठाया था उसमें, उसमें अगर आप देखेंगे वो जिस तरीके से वो आए इंडिया आए और कैसे सड़क पे उन्होंने कपड़े थोड़े बेचने शुरू करे और करते करते दे बिकेम वेरी रिच। सो वो पूरी जर्नी जो दिखाई है कितना उन्होंने तकलीफ देखी झेली, तो वो बस्तियों का कारवा में उन्होंने बहुत अच्छे से ये, तो ये जो टॉपिक है ना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर अगर ये टॉपिक तो मैं आज की जनरेशन को दूंगा ना, एक तो आज की जनरेशन हिंदी पढ़ना नहीं चाहती, सबसे पहली चीज पढ़ने नहीं जाते हो। हाँ, वो हिंदी नहीं पढ़ना, नहीं वो सिंपल हिंदी नहीं समझ पा रहे, सिंपल वो महाभारत नहीं देख पा रहे हैं। सीरियसली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको, हमें महाभारत रामायण शायद आपको टीवी के जरिए से भी देखी है, हमने पढ़ी भी है, हमने स्कूलों में हमें आती है, हमें वेदों पुराणों की भी कई चीजें आती हैं, लेकिन जो प्रेजेंट जनरेशन है जो स्कूल्स में है अभी, मुझे नहीं लगता कि ये वेदों पुराणों को कभी पढ़ पाएंगे या समझ भी पाएंगे। समय चेंज होता है, मे बी फिर से चेंज हो जाए, बिकॉज अब लैंग्वेज का भी क्या है, सिंपल होती जा रही है, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है, डायलॉग तो है, डायलॉग तो है। अब शायद हम भी जो बहुत पहले जो हिंदी बोली जाती थी वो हम भी नहीं समझ पाते थे, तो शायद हमारे ग्रेट पेरेंट्स सोचते होंगे कि इनकी हिंदी, हाँ इनकी हिंदी अच्छी नहीं है। नहीं, आई विश कि आप ना एक हिंदी में लिखें बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में, जैसे आपने ये बुक लिखी है। हाँ, ऑन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट बुक? नेक्स्ट बुक यस आई एम वर्किंग अपॉन इट, एंड सिंस आई लाइक वर्किंग अपॉन द इक्वेजन ऑफ फैमिली, एक फैमिली जो होती है जिसमें, अब मुझे मजा आता है वो टॉपिक उठाने में कि एक फैमिली है उसमें तरह तरह के लोग हैं और सब अपने डायरेक्शन में सोच रहे हैं, सबके अलग एस्पिरेशन हैं, ड्रीम्स हैं। अगर आप पेरेंट्स को भी देखेंगे कि भाई क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, इतना तो अचीव कर लिया, पर नहीं वो मेरे लिए इनफ नहीं है, तो वो मुझे उठाने में मजा आता है। हाँ, मतलब नेक्स्ट बुक भी हमको एक एवरेज ड्रीम्स तो नहीं, बट आई थिंक अगर मैं कोई भी कहानी, मैंने बोला ना मैं कोई, अगर मैं किरदार लोगों से कनेक्टेड बुक मिली, हाँ मैं कोई स्टोरी ऐसे नहीं उठाती हूँ, मैं उठाती हूँ एक किरदार, अब वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसे है, वो अपनी लाइफ स्टोरी कैसे वो आगे ले जाएगा। अब मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो मेरी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी जो आप आज यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो आपने कोई स्टोरी आपकी मम्मी ने नहीं लिखी या पापा ने नहीं लिखी, वो आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी स्टोरी बना रही है, बिकॉज आपके अंदर था ये। सो मेरी जो कहानियाँ जो मैं जब लिखती हूँ तो इट्स द पर्सनैलिटीज दैट आर वीविंग स्टोरीज। हाउ मच स्पिरिचुअल यू आर? आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एंड यू बिलीव इन गॉड? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। मैं क्वेश्चन आजकल पूछने लगा हूँ, जनरली मेरी आदत है, मैं कहीं कागज में पांव लग जाएगा तो आई विल डू दिस। Do you believe that? बचपन से करते हैं। Do you believe that books are God? I question this because this channel is for books and theories, and I believe that this. See, books are अब किस तरह की books आप क्या करना चाहते हो? Books तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए भी लिख सकते हो। तो books yes, विद्या books नहीं बोलूँगी मैं, विद्या बोलूँगी, जो लोगों को सही direction में डालने के लिए जो books होती हैं yes, और वो इसलिए because Since I believe in spirituality, अगर आप कोई भी religious text, आप जब बोल देखते हो ना कि बहुत perspectives आने लग गए हैं religious text के, वो perspectives इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो, अगर आप ये मेरी बुक उठाओगे आपने जैसे परसीव करा है ना वो मैंने वैसे नहीं करा, क्योंकि इसमें इमोशन है। अगर ये पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, कोई आपके बेटा पढ़ेगा अगर 15-year-old, he will perceive it differently. So वैसे ही books होती हैं, ऐसे ही रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, आप जिस इमोशन के साथ पढ़ रहे हो, जिस भाव के साथ पढ़ रहे हो, वो आप वैसे ही परसीव करोगे। स्पेशली इसलिए रिलीजियस टेक्स्ट को बोलते हैं हमेशा
any religion, you have to first give it proper respect and dignity, चाहे वो कोई भी religion हो. Why? Because they are not simple texts. वो simple नहीं है, हमें समझ में नहीं आते हैं, और हम जो उससे ले रहे हैं वो हमारे अंदर जो चल रहा है वो हम वही ले रहे हैं. अगर हम उसको negatively perceive कर रहे हैं, that is us. अगर हम उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, that is also us. मेरी ना एक दिली तमन्ना है कि मैं अपने शो पे ना एक शो क्रिएट करूं जो भगवत गीता है हमारी. मतलब वी हैव लिसन्ड इट, आई हैव लिसन्ड इट, आई हैव रेड इट, बट मुझे हमेशा लगता है कि ना नई जनरेशन को समझाने के लिए इट्स अ टाइम देयर आई नीड टू एक्सप्लेन भगवत गीता इन देयर लैंग्वेज. इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, हिंदी और तमिल, मराठी. देयर लैंग्वेज मीन्स जो उनको समझ आए. बट एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन जो होते हैं बुक के, वो तो आप जैसे परसीव कर रहे हो आप इंटरप्रेट करोगे और उनको बताओगे. मतलब एक ऐसा जरिया जहाँ एटलीस्ट वो सुने. आप देखो जो जनरेशन जेन जी है, अब यूट्यूब पे वो जिस चीज जो कंटेंट देखते हैं, दे विल वॉच मार्वल, दे विल वॉच डीसी. आज देख रहे हैं, 10 साल बाद दे माइट बी वेरी स्पिरिचुअल. आपका एक फेज आता है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, प्रोटेक्टेड एंड शेल्टर्ड चल रही है, आप कभी रिलीजियस नहीं होंगे. जब आप कहाँ रिलीजियस होते हो, यस, जैसे आपकी मैथ्स वीक है तब आप जरूर हाथ जोड़ के जाओगे. सो द टाइम कम्स, वो उस एज में उतना ही रिलीजियस हम होते हैं, हाथ जोड़ के जा रहे हैं पेपर देने. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. सो व्हेन समथिंग यू हैव समथिंग अकर्स, आप ऐसे नहीं स्पिरिचुअल, मुसीबत में भगवान को याद करना, एंड इट शुड कम फ्रॉम विद इन. स्पिरिचुअलिटी आल्सो कम्स फ्रॉम विद इन, एंड आई थिंक डूइंग मंडेन टास्क एंड डूइंग योर ड्यूटीज इन लाइफ इज आल्सो स्पिरिचुअल. आप मत पढ़ो गीता, पर अगर आप अपना लाइफ एक एथिक्स के साथ लीड कर रहे हो, व्हाट इज गीता, कर्म, तो मैं, आप मत पढ़िए गीता, मत पढ़िए, आप कुछ नहीं पढ़िए, पर आप एथिक्स तो फॉलो करिए. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए क्या बुक आपको पढ़नी है? श्योर. मेरे एक शो का एक रिचुअल है, जो भी ऑथर्स पब्लिशर यहाँ आते हैं, मैं उनसे एक बुक डांस करवाता हूँ. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं या जो रीडर्स हैं, उनको एक मैसेज देना कि भाई देखो हम बुक्स लिखते जरूर हैं, बट वी ऑल्सो ट्राई टू इंस्पायर यू टू रीड बुक्स. उसके हम देखो किस हद तक जा रहे हैं, वी आर डांसिंग ऑल्सो. सो आई रिक्वेस्ट दैट यू कैन जॉइन मी फॉर 10 सेकंड डांस. ओके, आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर, बट आई विल ट्राई. वो जो भी यहां बैठता है वो यही कहता है, पता नहीं क्यों उससे. एवरीवन डज अ गुड डांस. सो रीडर्स, अनुपमा मेरे साथ है, एंड वी विल बी डूइंग अ बुक डांस, जो हमारे शो का रिचुअल है. तो उनकी बुक है द एवरेज ड्रीम्स, पब्लिश बाय लॉक्सले हॉल्स या, और जरूर बाय करें. एक बड़ी ही क्यूट टाइप की स्टोरी है जो आपको ना अपनी लाइफ से रिलेट करती है. आई हैव रेड दिस बुक, हाईली रिकमेंडेड, डू रीड दिस बुक. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं अनुपमा के हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो यू कैन गो एंड फॉलो हर, यू कैन टॉक टू हर, डिस्टर्ब हर, एंड गो एंड बाय दिस बुक. एंड आई वुड लाइक टू गिव यू माय बुक, यू आर स्टिल द वन. Thank you so much. Thank you so much. आप मुझे पढ़ के बताना कैसी है. And just follow few steps. And ask readers that please go and buy this book, The Average Dreams, over Amazon, Flipkart, bookstores, everywhere it's available. So your turn to please ask readers. Dear readers, I have written The Average Dreams for you. I think these are every जो भी जितना जो भी हमारे इंडिया के, in fact I would say जितने भी teenagers हैं या जितने भी parents हैं all across the world, they can relate to this book. So please do go. It's available on Amazon. It's represented by the Bookmakers and published by the Locksley Hall. So please do buy it on Amazon. Bye. Bye-bye. And thanks for coming on my show. Thank you. Thank you so much, Himanshu.